मनोज, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से हैं? मैं बार बार समझने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा भी है, हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा है। जी देखिए आदर्श, मैं इस वक्त एक छत पर मौजूद हूँ और टॉप एंगल से आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुरक्षा के कितने पुख्ता और चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। नीचे तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ये वही चौराहा है जहाँ पर हिंसा हुई थी हनुमान जयंती वाले दिन। इस चौराहे से अगर राइट साइड में आप देखेंगे वहाँ पर भी पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त आपको नज़र आ रहा होगा। लगातार जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने जो फोर्स है उसको समझा रहे हैं। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो अतिक्रमण की आप तस्वीरें देख रहे हैं ऊपर से, आप टॉप एंगल से आप देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी सड़क थी और सड़क को कहाँ तक जो लोग थे इन्होंने घेरा हुआ था, बिल्कुल आधी सड़क को घेरा हुआ था। अब लोगों ने अपने सामान को हटाना खुद से शुरू कर दिया है। जब से लोगों को ये पता चला है कि MCD यहाँ पर आने के बाद अपना बुलडोज़र चलाने वाली है, उससे पहले ही लोग सुबह खुद यहाँ पर निकल आए और अपने सामान को यहाँ से उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। काफ़ी लंबी सड़क है, दूर तक आप देख सकते हैं, और आधी सड़क को लोगों ने यहाँ पर घेरा हुआ था। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान आपको इस पूरी सड़क के ऊपर दूर तक नजर आएंगे और आखिरी में भी वहां पर जवान तैनात किए गए हैं। यानी कि पूरे जहांगीरपुरी को एक तरीके से कहूं तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे और अतिक्रमण पर आज कार्रवाई होने वाली है, उससे पहले ही लोगों ने अपने सामान को हटाना शुरू कर दिया है। ABP News आपको रखे आगे।